Jungle. अभी तक हम आपको बता दें, कोरोना पॉजिटिव संक्रमित की संख्या ग्लोबल मैप पर, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हो, जो लमसम 42,78,180 और 2,92,136 आदमी की मौत हो गई। वहीं इंडिया में अब तक 14,281 लोग अभी तक इससे संक्रमित हो चुके हैं और साथ में मौत का आंकड़ा जो है 2,415 तक पहुंच चुका है। और बात करते हैं टॉप 10 हेडलाइंस न्यूज़ की जो आज हाइलाइट्स है। पहला न्यूज में हम आप देखेंगे कि 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में किसे क्या मिला, जाने वित्त मंत्री के बड़े ऐलान। बीते मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऐलान किया था विवाद से विश्वास स्कीम की डेडलाइन को 31 दिसंबर 2020 तक कर दी गई। MSME यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की परिभाषा बदल दी गई है। बीते मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कल 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज का ऐलान किया था। इस पैकेज के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विस्तार से जानकारी दी थी। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया गया। हालांकि इसी तरह विवाद से विश्वास स्कीम की डेडलाइन 31 दिसंबर 2020 तक कर दी गई है। पहले यह 30 जून तक के लिए था। टैक्स पेयर्स को 31 मार्च 2021 तक TDS कटौती में 25% की राहत मिली है। बता दें कि सरकार TDS के जरिए टैक्स जुटाती है। TDS विभिन्न तरह के आय के स्रोत पर काटा जाता है। इसमें सैलरी, किसी निवेश पर मिलने ब्याज या कमीशन आदि शामिल है। रियल एस्टेट के मामले में एडवाइजरी जारी होगा कि सभी प्रोजेक्ट्स को 5 से मार्च से आगे 6 महीने तक मोहलत दी जाए। डिस्कॉम यानी बिजली वितरण कंपनियों की मदद के लिए इमरजेंसी लिक्विडिटी यानी 90,000 करोड़ रुपए दी जाएंगी। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिए 30,000 करोड़ की विशेष लिक्विडिटी स्कीम लाई जा रही है। इसकी नकद नकदी का संकट नहीं रह जाएगा। NBFC को 45,000 करोड़ की पहले से चल रही योजना का विस्तार होगा। वही आंशिक ऋण गारंटी योजना का विस्तार होगा। इसमें AA या इससे भी कम रेटिंग वाले NBFC को भी कर्ज मिलेगा। EPF पर बड़ी राहत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार अब अगस्त तक कंपनी और कर्मचारियों की तरफ से 12% यानी कि रकम EPFO में जमा करेगी। इससे करीब 75 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों और संस्थाओं को फायदा मिलेगा। बता दें कि मार्च, अप्रैल और मई में भी सरकार ने कंट्रीब्यूट किया था। मतलब ये कि इस सुविधा को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। सैलरीड यानी अगली खबर की ओर पढ़े तो सैलरीड क्लास को बड़ी राहत समझे TDS में 25% कटौती के मायने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने सैलरीड क्लास के लिए भी खास ऐलान किए। अगले न्यूज हेडलाइंस के तरफ पढ़े जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी के आर्थिक पैकेज को ममता बनर्जी ने बताया बिग जीरो। बोली लोग छले गए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम मोदी का 20 लाख आर्थिक पैकेज छलावा है। पीएम मोदी को किसानों का कर्ज माफ करना चाहिए था, जैसे कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। उन्होंने कहा कि इस पैकेज में राज्य को कुछ नहीं मिला है। हमारे वित्त मंत्री अमित मित्रा ने अभी आपको समझाया कि 20 लाख करोड़ में 10 करोड़ की योजनाएं पहले से ही चल रही है और राज्य को कुछ नहीं मिला है। महाभारत की द्रौपदी बोली जिसे बालों से प्यार हो वो राजनीति में ना आए। रूपा गांगली से उनके न्यू लुक के बारे में पूछा तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में बड़ी बात कह दी। रूपा ने कहा कि जिसे भी अपने बालों से प्यार हो वो राजनीति में ना आए। अब जानते हैं रूपा ने ऐसा क्यों कहा। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ी, अब 30 नवंबर तक कर सकेंगे दाखिल। वित्त मंत्री ने कहा कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ा दी गई है, जिसे 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दिया गया। इसी तरह विवाद से विश्वास स्कीम की डेडलाइन को 31 दिसंबर 2020 तक कर दी गई है, क्योंकि पहले यह 30 जून तक के लिए था। अगले न्यूज़ की तरफ हेडलाइंस की तरफ पढ़ें जिसमें UP यानी उत्तर प्रदेश में कल से मिलेगा लोन। गडकरी बोले आर्थिक पैकेज ऐतिहासिक कदम। बुधवार को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीएम योगी ने कहा कि गुरुवार से उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग यानी MSME सेक्टर के लिए लोन मेला शुरू किया जाएगा। इस दौरान 3500 से ज्यादा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को लोन दिए जाएंगे। यानी सेंट्रल बोर्ड स्कूल एग्जामिनेशन की तरफ से जो 2020 का जो बोर्ड एग्जाम डेट्स वो 10th एंड 12th
1st July to 15 July. Detailed dates are to be released shortly. About result expected in August. जहाँ तक बात करें इसके रिजल्ट की, जो कि आशा किया जा रहा है कि अगस्त में इस रिजल्ट का ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाएगा। फिलहाल में अभी डेट ऑफ एग्ज़ाम यानी अनाउंसमेंट फॉर शेड्यूल जो एग्ज़ाम, जो बाकी जो एग्ज़ाम जो बचे हुए थे 10th और 12th के, वो एग्ज़ाम ओनली नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली का जो 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होंगे, जबकि होल इंडिया 12th का जो लेफ्ट था एग्ज़ाम 1 जुलाई से 15 जुलाई तक के बीच में कराए जाएंगे। CBSE बोर्ड एग्ज़ाम जो बाकी के जो पेंडिंग पेपर्स हैं 10वें और 12th की, वो भी 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में कंडक्टेड कराए जाएंगे। इसके बारे में छाड़ी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने डिटेल्स में जानकारी दी। और CBSE की बात करें, रिजल्ट 2020 विल बी डिक्लेयर इन अगस्त। जैसा कि आप देख सकते हो कि अगस्त में ये डिक्लेयर होगा। डिटेल न्यू CBSE बोर्ड एग्जाम डेट शीट 2020 ऑलरेडी पेंडिंग, मैंने आपको बताया, वो अब जो कि 1 जुलाई से 15 जुलाई तक के बीच में हो जाएंगे। हालांकि जी एडवांस, जी मेन एंड नीट के बारे में अभी फिलहाल में कोई डिटेल्स आगे नहीं बताई गई है। धन्यवाद जानकारी अभी तक के लेटेस्ट अपडेट्स के साथ बने रहने के लिए। चलिए फिर अगले वीडियो के साथ मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बाय।